फ्रेंड्स, आज हम बीए पार्ट सेकंड के द्वितीय पत्र भारतीय राज्य व्यवस्था में भारत स्वतंत्रता अधिनियम और भारत विभाजन के बारे में पढ़ेंगे। महात्मा गांधी के नेतृत्व में बहुत से आंदोलन चले, ये हमने इससे पूर्व व्याख्यानों में देखा। इस दौरान कांग्रेस का प्रयास रहा कि भारत को स्वतंत्रता अंग्रेजों के द्वारा दे दी जाए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन हुआ, लेकिन वे असफल रहीं। बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारे प्रस्ताव कांग्रेस की तरफ से भी रखे गए, ब्रिटिश शासन की तरफ से रखे गए, वो भी स्वीकार्य नहीं हुए। मोहम्मद अली जिन्ना एक ही बात पर अड़े हुए थे कि भारत का विभाजन कर दिया जाना चाहिए, एक अलग मुस्लिम राज्य की स्थापना होनी चाहिए। सत्ता का भारत में शीघ्र स्थानांतरण करने के लिए वेवल के स्थान पर माउंटबेटन को यहाँ का गवर्नर बनाकर भेजा गया और माउंटबेटन इस नतीजे पर पहुँचे कि भारत में अब विभाजन ही अंतिम समाधान है, यानी कि विभाजन के बिना भारत को स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती। 3 जून 1947 को बैटन ने अपनी योजना लीग और कांग्रेस के सामने रखा। जिन्ना और नेहरू दोनों ने ही उनकी इस योजना को स्वीकार किया, या दूसरे हम कहें कि लीग और कांग्रेस दोनों ने ही इस विभाजन की मांग को स्वीकार कर लिया। और इस स्वीकार करने के बाद अंग्रेजी सरकार एक अधिनियम लाई जिसका नाम था भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। 4 जुलाई 1947 को इसे प्रस्तुत किया गया, जिसे 8 जुलाई 1947 को स्वीकार कर लिया गया। इस अधिनियम की कुछ विशेषताएं हैं जो कि इस प्रकार हैं। पहली है दो अधिराज्यों की स्थापना, यानी इस क्षेत्र में दो राज्यों की स्थापना की जाएगी, एक भारत और एक पाकिस्तान। दूसरा है स्वतंत्रता की तिथि निश्चित कर दी गई, यानी 15 अगस्त को भारत को आज़ादी दे दी जाएगी। दोनों अधिराज्यों के लिए अलग अलग गवर्नर जनरल नियुक्त किया जाएगा। जब तक अपनी सरकारें यहाँ नहीं बन जाती हैं विधि वैधानिक रूप में, तब तक पाकिस्तान के लिए अलग गवर्नर जनरल और भारत के लिए अलग गवर्नर जनरल होगा। प्रांतीय विधानमंडल, इसके बारे में यह माना गया कि जब तक नई प्रांतीय विधानमंडल बनकर नहीं आती है, तब तक पुराने विधानमंडल ही कार्य करते रहेंगे। भारत मंत्री पद का अंत, बहुत लंबे समय से हम मांग कर रहे थे कि भारत मंत्री के पद को खत्म कर दिया जाना चाहिए। जब हमें आज़ादी मिली या आज़ादी की घोषणा अंग्रेजी सरकार ने की, तब इस पद का भी अंत कर दिया गया। 1935 के अधिनियम के अंतर्गत शासन किया जाएगा। जब तक दोनों अधिराज्यों का अपना अपना संविधान नहीं बन जाता है, तब तक 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था, उस शासन अधिनियम के अनुसार भारत में शासन सत्ता का संचालन किया जाएगा। देशी रियासतों पर सर्वोपरिता का अंत, देशी रियासतों पर जो अंग्रेजी कंपनी बहादुर की सर्वोपरिता थी, उसका अंत कर दिया गया। और यह कहा गया कि जो देशी रियासतें हैं, वे भारत में भी शामिल हो सकती हैं, वे पाकिस्तान में भी शामिल हो सकती हैं, और चाहें तो वे स्वतंत्र रह सकती हैं। दोनों अधिराज्यों की, यानी भारत की क्या सीमा होगी और पाकिस्तान की क्या सीमा होगी, उसका भी निर्धारण किया गया। नागरिक सेवाओं के अधिकारों की रक्षा, इसके अंतर्गत यह माना गया कि जो नागरिक सेवाएँ यानी ICS सर्विसेज में हैं, वे भारत के क्षेत्र में हैं, वे भारत में, पाकिस्तान के क्षेत्र में हैं, वो पाकिस्तान में रहेंगे और उन पर भारत मंत्री का कोई नियंत्रण नहीं होगा। प्रांतों में संस्थात्मक शासन, जैसे केंद्र में संस्थात्मक शासन है, ऐसे ही प्रांतों में भी संस्थात्मक शासन किया जाएगा। यह अधिनियम एक गौरवशाली अधिनियम था और दीर्घ काल से जो भारतीय जिस दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे, वह प्रतीक्षा इस अधिनियम के माध्यम से पूरी हुई। यह अधिनियम भारत से अंग्रेजी शासन की गौरवपूर्ण विदाई था। जैसे कि इस संबंध में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कहना था कि भारत पर ब्रिटिश शासन का काल आज समाप्त हो जाता है। ब्रिटेन के साथ हमारा अपना संबंध समानता, पारस्परिक सद्भाव और पारस्परिक
लाभ पर आधारित होगा। नेक्स्ट है स्वतंत्रता प्राप्ति में सहायक तत्व। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। 1947 में भारत को आज़ादी विवश होकर अंग्रेजी सत्ता ने दी, यानी हम कहें कि अंग्रेजों को वह स्वतंत्रता हमें देनी पड़ी। जैसे सीतारामैया का मानना है कि भारतीय स्वतंत्रता समय की गति और परिस्थितियों के दबाव का परिणाम थी, यानी आवश्यकता थी, समय की मांग थी कि भारत को आज़ादी दे दी जाए। कुछ कारण, जैसे हम देखते हैं कि किसी भी घटना के पीछे हम राजनीति विज्ञान में कोई एक निर्धारित नहीं, बहुत से कारण देखते हैं, उसी तरह से हमें आज़ादी मिलने के जो कारण हैं वो इस प्रकार हैं। पहला है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शक्ति। भारतीयों ने जो राष्ट्रीय आंदोलन को एक गति दी, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन के माध्यम से हमारी जनता ने जो एकीकृत होकर स्वतंत्रता के लिए प्रयास किया, उसके कारण अंग्रेजों को हमें आज़ाद करना पड़ा। युद्ध के बाद इंग्लैंड की कमज़ोर स्थिति, युद्ध के बाद इंग्लैंड की जो स्थिति है वह कमज़ोर हो गई थी, युद्ध यानी द्वितीय महायुद्ध, और अब वह महाशक्ति नहीं रहा था। जिन 7 राज्यों के बीच महायुद्ध लड़ा गया था, 3 हारने के कारण कमज़ोर हो गई थी। ब्रिटेन फ्रांस जीते थे, लेकिन इनकी इतनी ज़्यादा हानि हुई थी कि ये अब सुपर पावर नहीं रहे थे। तो ब्रिटेन के पास इतनी ताकत नहीं थी कि वे अपना औपनिवेशिक साम्राज्य संभाल सके। अंतर्राष्ट्रीय दबाव, अमेरिका का, रूस का, चीन का दबाव था कि भारत को अब स्वतंत्रता दे देनी चाहिए। साम्यवाद का भय, यह वो समय था जब दुनिया साम्यवाद की ओर उन्मुख हो रही थी। द्वितीय महायुद्ध के बाद ब्रिटेन को डर था कि कहीं भारत भी साम्यवाद की ओर मुड़ ना जाए, तो ऐसी स्थिति में उन्होंने स्वतंत्रता देना ही भारत को उचित समझा। बैटन योजना की स्वीकृति दोनों दलों के द्वारा, लीग और कांग्रेस दोनों ने ही बैटन योजना को स्वीकार कर लिया था। श्रमिक दल की विजय भी सहायक। इस समय ब्रिटेन में श्रमिक दल की सरकार थी, और जब जब ब्रिटेन में श्रमिक दल रहा है उसका रुख भारतीयों के प्रति थोड़ा उदार रहा है, कंजर्वेटिव पार्टी के मुकाबले थोड़ा उदार रहा है। तो श्रमिक दल की सरकार थी तो इसलिए भी यह हमें हमारे लिए सहायक बनी। सांप्रदायिक दंगे, भारत में बहुत बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे। कांग्रेस सरकार को इन दंगों का जिम्मेदार मानती थी, तो ऐसे समय में सरकार को लगा कि अब उन्हें भारत को आज़ाद ही कर देना चाहिए। ब्रिटेन में भारत पक्षीय जनमत, ब्रिटेन के लोग भी भारत को आज़ादी देना चाहते थे। उनका भी यह मानना था कि भारत को अब आज़ाद कर देना चाहिए। ब्रिटिश शासन और राष्ट्रीय कांग्रेस का योगदान, हालांकि दोनों विरोधी बातें हैं, पर अंग्रेजी शासन भी अब चाहता था कि स्वतंत्रता दे दी जाए, और कांग्रेस का प्रयास इस संबंध में रहा और हमें आज़ादी मिल गई। इस तरह से ये कुछ कारण हैं जिनके कारण भारत को आज़ादी मिली, लेकिन आज़ादी की बहुत बड़ी कीमत हमने चुकाई, और वो था विभाजन। भारत 2 टुकड़ों में विभाजित हो गया, भारत और पाकिस्तान। भारत का यह विभाजन अनुचित था, परंतु तत्कालीन समय में यह आवश्यक था। क्यों विभाजन आवश्यक था या विभाजन क्यों हुआ, उसके कुछ कारण हैं। पहला है हिंदुओं की अछूतवादी नीति। वे मुसलमानों को अब तक विदेशी मानते थे और उन्हें आत्मसात नहीं कर पाए, इसलिए भी विभाजन हुआ। जिन्ना की हठधर्मिता, ये सबसे बड़ा कारण था विभाजन का, कि मोहम्मद अली जिन्ना विभाजन की मांग पर अड़ गए थे और वो यह चाहते थे कि विभाजन ही एक अंतिम विकल्प है। नेक्स्ट है अंग्रेजी सरकार की भारत को कमज़ोर करने की नीति। अंग्रेज़ों ने जो भारत में शासन किया, उन्हें यह लगा कि फूट डालो और राज्य करो के माध्यम से ही वो भारत में शासन कर पाएंगे, और यह सबसे बड़ी कमज़ोरी उन्हें धर्म के रूप में नज़र आई। कि हम जैसा मानते भी हैं कि धर्म व्यक्ति की सबसे बड़ी कमज़ोरी होती है, और धर्म के नाम पर वो एकीकृत भी होता है और धर्म के नाम पर वह विद्रोही भी हो जाता है। तो भारत में फूट डालो और राज्य करो की नीति को अपनाया अंग्रेज़ों ने। भाई भाई को लड़ाने का काम किया और हिंदू मुस्लिम एकता को पूरी तरह से अंग्रेजी सत्ता ने विध्वंस कर दिया। उसका भी दुष्परिणाम हमें विभाजन के रूप में भुगतना पड़ा।
दबाव द्वारा अखंडता उचित नहीं थी। ऐसा कांग्रेसी नेताओं ने माना कि अगर हम दबाव डालकर एकता को रखेंगे तो वह एकता शायद सही नहीं होगी। आज विभाजन नहीं हुआ तो आने वाले समय में विभाजन होगा। जैसा पटेल का कहना था कि मैंने यह अनुभव किया है कि देश का विभाजन स्वीकार नहीं करने पर देश टुकड़ों में विभाजित हो जाएगा। इससे एक नहीं अनेक पाकिस्तान बनने की संभावना भारत में दृढ़ हो जाएगी। और वो यह उन्होंने यह माना कि अगर हमारे शरीर का एक हिस्सा विषपूर्ण हो जाता है तो उसे काट देना ही उचित होता है। तो उन्होंने भी एक तरह से भारत के एक हिस्से को काट देना ही उचित माना। नेक्स्ट है कांग्रेस की मुसलमानों के प्रति तुष्टीकरण की नीति। जो कांग्रेस की नीति है वो मुसलमानों के प्रति तुष्टीकरण की रही और उस तुष्टीकरण का भी फायदा मुस्लिम कम्युनिटी के द्वारा उठाने की कोशिश की गई और भारत का विभाजन हुआ। कांग्रेस की सत्ता के प्रति लालसा। 1935 के अधिनियम के बाद भारत में एक अंतरिम सरकार बनी थी और कांग्रेस को सत्ता मिल गई थी। चाहे वो बहुत बड़ी सत्ता नहीं थी, आंशिक थी, लेकिन सत्ता का लालच कांग्रेस के मन में आ गया था। और विजय के इन क्षणों में, यानी अंग्रेजी सरकार ने तो कह दिया था कि अगर विभाजन नहीं होगा तो स्वतंत्रता भी नहीं मिलेगी, तो विजय के इन क्षणों में कांग्रेस ने विभाजन को ही स्वीकार किया। भारत में सांप्रदायिक दंगे और उपद्रव, बहुत अधिक सांप्रदायिक दंगे और उपद्रव हो रहे थे, तो ऐसी स्थिति में भी विभाजन को स्वीकार करना पड़ा। माउंटबेटन का प्रभाव, जो अंतिम हम वायसराय थे अंग्रेज माउंटबेटन, उनका भी प्रभाव पड़ा और उन्होंने भी इस बात को माना कि विभाजन ही एकमात्र भारत की समस्या का समाधान हो सकती है। तो इस तरह से भारत को आज़ादी भी मिली और भारत स्वतंत्र भी हुआ। धन्यवाद।